हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज हम डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हुक्स लॉ जो फिनोमेना होता है वो बेसिकली एक लिमिट के अंदर वैलिड होता है, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। देखिए, जैसे आपके पास सपोज कोई बॉडी है, उसको आप इलास्टिक बॉडी है, उसके ऊपर आप डिफरेंट फोर्स लगा रहे हो। सपोज आप रबड़ को ऐसे पुल कर रहे हो, तो एक लिमिट होगी जिस तक आपकी बॉडी अपनी शेप रीगेन कर लेती है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस बियॉन्ड विच द बॉडी लूजेज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो आपको इससे पता लग जाएगा कि हम इस लिमिट का मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, कि ये वो लिमिट है जिसके अंदर आपकी बॉडी इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव कर रही है। उसके बाद ये फिनोमिना खो देती है, उसके बाद ये प्रॉपर्टी खो देती है, और उसके बाद आपकी बॉडी अपनी शेप रिगेन नहीं करती है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। व्हाट इज हुक्स लॉ? देखिए, हुक्स लॉ को समझने के लिए एक छोटा सा ये था एक्सपेरिमेंट, और इसको जनरलाइज करके हमने ये स्टेटमेंट बनाया था। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या है। ये एक स्प्रिंग लगाया हुआ है, एक मास अटैच किया हुआ है। इसके ऊपर क्या हो रहा था कि हम धीरे धीरे मास ऐड करते जा रहे थे, और आप इसका एक्सटेंशन मेजर करते जा रहे थे कि कितना ये, मतलब इसके स्प्रिंग की लेंथ है कितनी बढ़ती जा रही है। सपोज आपने 100 ग्राम डाला, फिर देखा, फिर 200 ग्राम डाला, फिर देखा, फिर 300 ग्राम, 400 ग्राम, और उसका एक्सटेंशन मेजर किया। तो आपने ये कंक्लूड किया जो आपका एक्सटेंशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा लोड होगा, जितना ज्यादा वेट होगा, उतना ज्यादा आपका एक्सटेंशन होगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर इससे हमने जनरलाइज कैसे किया कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेन क्या होता था? चेंज इन डायमेंशन। और चेंज इन डायमेंशन क्या होता है? चाहे उसकी लेंथ चेंज हो, चाहे एरिया चेंज हो, चाहे वॉल्यूम चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, लेकिन डायमेंशन कोई भी चेंज हो। तो यहां पे क्या इसकी लेंथ चेंज हो रही है? तो चेंज इन लेंथ से आप क्या रिलेट कर पाओगे? मतलब चेंज इन लेंथ आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेन आप निकाल पाओगे चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ। तो इससे आपका क्या होगा? बेसिकली एक्सटेंशन से आप क्या रिलेट कर सकते हो? स्ट्रेन। और लोड से स्ट्रेस कैसे? देखो, लोड क्या है आपका? वेट। वेट क्या हो गया आपका? एक्सटर्नल फोर्स जो इसको पुल कर रहा है। इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया था, इन इक्विलिब्रियम आपका एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, और दैट रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, इसलिए हम जनरलाइज कर पाते हैं कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस और विद इन इलास्टिक लिमिट। ये आपको ध्यान रखना है। इस चीज को हम बोलते हैं हुक्स लॉ। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो आपका एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आता है E, जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। E इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब देखिए कि व्हाट इज E और आपका E किसके बारे में बताता है, वो हमको अच्छे से देखना है। पहली बात, हम E को बोलते क्या है? E को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। E इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। इसको अच्छे से आप याद रखना है, क्योंकि आपको जो इसके तीन टाइप्स आएंगे उसमें आपको ये बार बार जरूरत पड़ेगा। तो आपको एटलीस्ट ये रिमेंबर होना चाहिए कि ई आपका रेशियो होता है स्ट्रेस टू स्ट्रेन, स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ओके, सो ई बताता क्या है? ई टेल्स यू क्या बताता है? ई टेल्स यू द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ये क्या होता है? देखो, आपको कोई बोले कि ये ज्यादा भारी है और ये कम भारी है, इसको कैसे मेजर करते हो? मतलब किसी चीज के भारीपन को हम किससे नापते हैं, किससे मेजर करते हैं? उसके मास से। किसी का मास ज्यादा तो वो ज्यादा भारी, कोई कम भार, जिसका कम मास होगा वो कम भारी होगा। तो उसके भारीपन को नापने के लिए हमने मास डिस्कवर किया, और किसी के इलास्टिसिटी के, कि कौन सी बॉडी ज्यादा इलास्टिक है, कौन सी बॉडी कम इलास्टिक है, उस चीज को नापने के लिए हमने क्या चीज बनाई? दैट इज ई। तो ई को ई क्या नापता है? बेसिकली डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। तो जिसका ज्यादा ही होगा दैट इज मोर इलास्टिक, जिसका कम ही होगा दैट इज लेस इलास्टिक। नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी है, दैट इज दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ बॉडी। हाँ जी, अब हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको बताता है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, कि कौन सी बॉडी ज्यादा इलास्टिक है, कौन सी बॉडी कम इलास्टिक है। अब देखो, ये भी तीन तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। कैसे? कि आपकी बॉडी कौन सी लेंथ वाइज ज्यादा इलास्टिक है, कौन सी बॉडी वॉल्यूम वाइज ज्यादा इलास्टिक है, और कौन सी बॉडी शेप वाइज ज्यादा इलास्टिक है। शेप वाइज, चलो इसको हम डिटेल में भी समझते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप आता है उसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेकंड को हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड थर्ड को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी।
अब तीनों का जो नोटेशन होता है हम इसको नोट करते हैं, यंग्स को वाई से, बल्क को के से, एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से। कुछ बुक्स में कुछ अलग नोटेशन में मिल जाता है, जैसे इसका कई बार बी लिख देते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली यही लिखते हैं। फिर भी नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके डेफिनेशन फिर भी सेम ही रहेंगी। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है। देखो, यंग्स मॉडुलस कैन बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखिए, ये तीनों टाइप्स हैं, इनको हम पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ, इनको याद कैसे रखोगे। देखिए, आपने स्ट्रेन कितने तरह के पढ़े थे? स्ट्रेन आपने पढ़े थे तीन तरह के, कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड सीयर स्ट्रेन, ठीक है? और आपने स्ट्रेस कितने टाइप्स के पढ़े थे? स्ट्रेस पढ़े थे आपने दो टाइप्स के, ऊपर ऊपर, कौन कौन से? नॉर्मल स्ट्रेस, तो दो में आ गया आपका नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरा क्या था आपका? टेंजेंशियल स्ट्रेस। तब आपको याद रह जाएगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने बताया था आपको कि ये याद रखना है, इट इज अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। तो तीनों में ऊपर स्ट्रेस है, नीचे स्ट्रेन है, नीचे तीनों टाइप के स्ट्रेन आ गए, पहला दूसरा तीसरा, और ऊपर स्ट्रेस आ गया। ये तो हो गया आपका याद करने का। अब मैं इनकी डेफिनेशन बता रहा था, तो फर्स्ट को क्या रेशियो होता है? इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मींस चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। अब इस छोटे से इस रोड से समझ लीजिए, क्योंकि आपका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज होगा तब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एफ, व्हाट इज ए, व्हाट इज डेल्टा एल, व्हाट इज एल। देखिए, सपोज करो कि आपके पास एक वायर था, अब मैंने इसको नीचे से एफ फोर्स लगा के इसको अगर पुल किया, तो ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस वायर रोड व्हाट एवर इट इज, डेल्टा एल इज द एफ इज द फोर्स अप्लाइड, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, डेल्टा एल इज द चेंज इन लेंथ एंड एल इज द ओरिजिनल लेंथ। सो दैट्स इट, दिस इज योर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम बात करते हैं इनकी यूनिट्स के बारे में। देखो, सारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होते हैं वो रेशियो होते हैं स्ट्रेस टू स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? आपका डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, मैंने आपको पहले बताया था। इसलिए आपको क्या पता लगता है कि जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उसका डायमेंशन या यूनिट वही होंगी जो आपके स्ट्रेस के होंगे। और स्ट्रेस का क्या होता है? स्ट्रेस का क्या होता है? स्ट्रेस का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। मैं सिर्फ ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं, इसलिए तीनों केसेस में, चाहे वो यंग्स मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, तीनों केसेस में आपका जो यूनिट्स होगा दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस क्या होता है? याद मैंने आपको करा ही दिया था कि इट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। नेगेटिव साइन मैंने पहले बताया था, कब आता है, क्यों आता है? दिस इज बिकॉज कि आपका डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से आपका जो फाइनल वॉल्यूम होता है वो घट जाता है हमेशा, इसलिए माइनस साइन आता है। ये आ गया आपका। अब आपको हर क्वांटिटी का मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट इज डेल्टा वी? दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। आपका इतनी बॉडी थी, घट के इतनी हो गई, तो दिस इज योर चेंज इन वॉल्यूम साइड वाला, ठीक है? V इज द इनिशियल वॉल्यूम, F इज द जो फोर्स इसके साइडों से लग रहा है, और A इज द एरिया ऑफ द बॉडी। अब हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में। देखो, इन सब के ऊपर ये लेंथ, वॉल्यूम और शेप लिखा हुआ है, इन चीज का मतलब समझते हो आप? मैंने अभी भी बताया कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जो तीन टाइप्स होते हैं वो क्या बताते हैं? ये बताता है इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ, कि ये लेंथ वाइज कितनी इलास्टिक है, ये वॉल्यूम वाइज कितनी इलास्टिक है, ये शेप वाइज कितनी इलास्टिक है, समझ रहे हो? आप किसी को इतना लंबा खींच के भी वो वापस अपनी शेप ले पा रहा है, कोई नहीं ले पा रहा है, तो आप कह रहे हो कि भाई ये चीज ज्यादा इलास्टिक है लेंथ वाइज, और ये चीज कम इलास्टिक है। तो लेंथ वाइज जो ज्यादा इलास्टिक होगा उसका वाई ज्यादा होगा, जो वॉल्यूम वाइज ज्यादा इलास्टिक होगा उसका के ज्यादा होगा, और जो शेप वाइज मतलब जैसे इस बॉडी को मैंने यू पुश किया और ये वापस आ जाती है, तो शेप वाइज इलास्टिक है। तो शेप वाइज इलास्टिसिटी कौन मेजर करता है? इसको बोलते हैं ईटा। ईटा का ईटा क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब कौन सा फोर्स? दिस इज टेंजेंशियल फोर्स, दिस इज द टेंजेंशियल फोर्स। ये क्यूब है जिसका एरिया ए है, ठीक है, ओवर शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? टेन फाइव, दिस इज योर फाइव। टेन फाइव क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? डेल्टा एल के बराबर, और बेस क्या है? एल। हाँ जी, तो एक लास्ट चीज और बच गया है जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी किसी मटेरियल की हम डिफाइन करते हैं, दैट इज इनवर्स ऑफ और रेसिप्रोकल ऑफ के, और व्हाट इज के? के इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपने अगर के निकाल लिया और उससे अगर आप पूछता है कि
कई बार एग्जामिनर डायरेक्टिव ये पूछता है कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मटेरियल बताओ क्या होगा, फिर आप सोचते हो कि पता नहीं क्या निकालना है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ निकालोगे उसका रेसिप्रोकल क्या होता है आपका सी, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट हुक्स लॉ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इसके टाइप्स के बारे में।